आखिर चंद्रमुखी के फूल का रहस्य क्या है? इन गांव वालों को हमने अपनी संतान की तरह प्रेम वात्सल्य दिया और बदले में उन लोगों ने हम पर ये घोर कलंक लगाया। मैंने किसी पर कोई लांछन नहीं लगाया है। महारानी यहाँ आने से पहले पवित्र थी और आज भी पवित्र है। मैं गांव वालों को कभी क्षमा नहीं करूंगी कि एक बार जो हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया तो उसे हमारी अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तुम करावती के पास हमारा संदेश लेकर जाना कि हमने उसे याद किया है। वाह कलावती वाह, ईश्वर ने तुम्हें जितना सुंदर बनाया है उतना तेज मस्तिष्क भी दिया है। हमारे लिए घोड़े का प्रबंध करो। सुनावर सिंह, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि हमें ना सुनना पसंद नहीं है? समझ में आया युवराज, किंतु आप इतना क्रोधित ना हो, शांत हो जाएं, शांत। यदि वो निशाचरी हमें नहीं छलती तो हमारे घोड़े हमारे पास होते, किंतु ये निशाचरी तो बहुत ही पहुंची हुई निकली। इसने मुझे मूर्ख बनाया, सैनिकों को मूर्ख बनाया, और तो और आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट युवराज भानु प्रताप सिंह को मूर्ख बनाया, जिसका नाम सुनकर जंगल के हिंसक पशु पक्षी भयभीत हो जाते हैं, उसे मूर्ख बनाया। चुप हो जाओ, तुम चेहरे पर नमक छिड़क रहे हो, हमारे ही सामने हमारा मजाक उड़ा रहे हो। हम तुम्हारा शीश काट कर यही जंगल में फेंक देंगे। युवराज क्षमा करें, युवराज क्षमा करें, मेरा इतना साहस, अरे आपकी हंसी उड़ाने का साहस तो उन देवताओं के पास भी नहीं है, तो फिर मेरी विषाद क्या? मैं तो केवल इतना कह रहा था कि ये निशाचरी बड़ी धूर्त है। अभी तुमने मेरी धूर्तता देखी कहाँ है युवराज? अब देखो कि निशाचरी तुम दोनों की सेवा में क्या करती है। यदि वो लड़की कभी हमारे सामने आ गई तो हम उसे उसकी चोटी से बांधकर सदैव के लिए उस पेड़ पर लटका देंगे। किंतु अब आप शांत हो जाइए। यदि आपके पैरों में अधिक पीड़ा हो रही है तो मैं अपने कंधों पर बिठाकर आपको राजकुमारी चंद्रमुखी के महल ले चलता हूँ। हमारे पैर इतने दुर्बल नहीं हुए कि तुम जैसे गधे पर सवारी करनी पड़े। और जाओ और जाकर किसी घोड़े का प्रबंध करो। ये क्या युवराज, आपने आदेश दिया और घोड़े के हिनहिनाने की आवाज? वो देखो घोड़ा खड़ा है। युवराज आपका आदेश भगवान ने भी स्वीकार कर लिया। अब शीघ्रता कीजिए युवराज, चल कर देते हैं। आइए युवराज, युवराज आइए। कितना भारी मनुष्य है, प्रतीत होता है ये युवराज नहीं किसी बलवान का पुत्र है। इसका नाम भानु प्रताप किसने रख दिया? इसका नाम तो दानव कुमार होना चाहिए था। वाह, ऐसा प्रतीत होता है कि इस घोड़े की गर्दन हाड़मास से नहीं रेशम की डोरों से बनी। क्या कह रहे हैं युवराज? अब तुम लालच मत करो, इस घोड़े पे बैठने का अवसर तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। चलो। हाँ, हाँ। चल सेनापति। युवराज, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कन्या अपने मधुर गले से प्रेम गीत अलाप रही हो। मूर्ख, ये कोई कन्या नहीं, स्वयं राजकुमारी चंद्रमुखी है। हमें प्रतीत होता है
कि हमारे स्वागत में ये प्रेम गीत गा रही। सही कहा आपने युवराज, ऐसा मधुर स्वर तो केवल राजकुमारियों का ही होता है। चलो चल कर देखते हैं। कहाँ खो गए युवराज? वाह, आज से पहले हमने इतनी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी। आह, उफ, ये स्वर तो कलावती का है, किंतु कलावती यहाँ पर कैसे? उसका आखिर क्या उद्देश्य हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आया। चलो, हो ना हो ये अवश्य चंद्रमुखी ही है। क्यों जोरावर? नहीं नहीं अन्नदाता, ये चंद्रमुखी नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? क्या आज से पहले तुमने कभी चंद्रमुखी को देखा है? मेरे कहाँ भाग्य युवराज जो मैं चंद्रमुखी से मिल सकूं। तो फिर तुमने कैसे कह दिया कि वो चंद्रमुखी नहीं है? राजा, आप कह रहे तो चंद्रमुखी होगी, किंतु चंद्रमुखी जंगल में न कोई सेना न कोई सेनापति। क्यों? राजकुमारी है, जब चाहे जहां चाहे जा सकती है। क्या पता किसी झरने पर स्नान करने जा रही हो। क्या तुम अपनी सारी सेना के साथ स्नान करते हो? क्या वो अपने सेनापति को ले जाएगी स्नान करवाने? क्षमा करें युवराज, मैंने तो यूं ही कह दिया चंद्रमुखी। चंद्रमुखी नहीं, राजकुमारी चंद्रमुखी जी कहो। जी चंद्रमुखी जी। और सुनो, अब हमारे ध्यान को भंग मत करना। हम खुले नेत्रों से राजकुमारी की काया को निहारना चाहते हैं। निहारिए निहारिए युवराज, निहारिए। अंततः सुंदरता निहारने के लिए ही तो होती है। परंतु तुम्हारे लिए नहीं। नेत्र झुकाओ। याद रखना, वो तुम्हारी होने वाली महारानी है। जानते नहीं महारानी पर नेत्र टिकाने का दंड क्या होता है? दंड से पहले मेरे नेत्रों की ज्योति छिन जाए युवराज। भला आपके होते हुए सेवक कैसे साहस कर सकता है? अब तुम जाओ। हाँ। और जब तक हम ना बुलाएं, पलट कर मत देखना। जो आपके आगे युवराज, तो हम जाएं? जाओ। हाँ। हाँ। कलावती। ओह, तो ये दोनों मूर्ख कलावती को चंद्रमुखी समझ रहे हैं। Yeah.
क्या सौंदर्य है, क्या नए नक्श हैं। लगता है कि स्वर्ग की कोई अप्सरा फूल से धरती पर उतर आई है। आप अवश्य वही राजकुमारी हैं जिनकी खोज में हम लंबी यात्रा पर निकले थे, और अब लगता है कि हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है। हे अपरिचित, कौन है आप? पहचाना आपने, वही साड़ी है जो आपको बहुत पसंद थी। अपना प्यार करना जानते हैं ना, चाहते हैं। आप तो समझते हैं कि आप ऑफिस जाते हैं, मैं घर संभालती हूँ, यही प्यार होता है। तुम ऐसा करो, मुझे छोड़ दो। मैं जा रही हूँ। तो जाओ फिर। जाते वक्त उसे रोकना चाहा, कहना चाहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कहे, लेकिन कह नहीं पाया। जो काम आपने 24 साल में नहीं किया ना, वो अब होगा, जरूर होगा। देखा लो जवानी कि 52 साल का आदमी 18 साल के लौंडे से कम नहीं है। तेरा हुआ मैं जब से। कौन है आप? हम अलकापुरी नरेश के सुपुत्र युवराज भानु प्रताप सिंह हैं। अलकापुरी नरेश के सुपुत्र? ये अलकापुरी कहाँ है? हमने तो कभी अलकापुरी का नाम नहीं सुना। जब आप अपने राज्य से बाहर ही नहीं निकलेंगी तो आपको अलकापुरी का कैसे पता चलेगा? परंतु आपको संसार के सभी राजा महाराजा और युवराज जानते हैं। क्या हमें संसार के सारे युवराज जानते हैं? परंतु वो कैसे? हम तो कभी अपने राज्य से बाहर गए ही नहीं। आप तो अपने राज्य की सीमा के कभी बाहर नहीं गए, परंतु आपके अप्रीतम सौंदर्य के चर्चे संसार की चारों दिशाओं में फैले हैं। संसार के सभी राजा महाराजा और हम जैसे युवराज आपके सौंदर्य के चर्चे करते नहीं थकते। अहोभाग्य हमारे हैं कि आपके सौंदर्य के दर्शन स्वयं हो गए। वाह, बाहर के राज्य के मनुष्य इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, ये हमें आज पता चला है युवराज, क्योंकि आज से पहले हमने कभी किसी अपरिचित को नहीं देखा था। सच? इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम ही वो प्रथम युवराज हैं जिसे आपके इन सुंदर नेत्रों ने निहारा है। आपकी सौगंध। हमारी सौगंध। आप ही वो प्रथम युवराज हैं। इससे पहले हम भी कभी इस झरने पर स्नान करने नहीं आए थे। हो सकता है झरने पर स्नान करने के बहाने हमारे भाग्य में आपसे मिलना लिखा था। हाँ राजकुमारी जी, हमें भी यही प्रतीत हो रहा है जो आप कह रही हैं। इससे पहले आपकी खोज में हमने बहुत कष्ट उठाए, पर आपके सुंदर फूलों जैसे मुखड़े को देखकर हम अपने सारे कष्ट भूल चुके हैं। ये मूर्ख युवराज तो बहुत सरलता से ही कलावती के जाल में फंस गया। सोचा था इसे फांसने के लिए अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन करना पड़ेगा, परंतु इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आप चुप क्यों हो गई राजकुमारी जी, कुछ बोलिए ना। समझ में नहीं आता क्या कहें। जीवन में आज पहली बार किसी पराए युवक के इतने समीप आए हैं ना, इसीलिए थोड़ा घबरा गए हैं। देखिए ना हमारे हाथ पैर कैसे
कांप रहे हैं। अब हम पराए कहां रह गए हैं? हे युवती, हेलो, अनिता, आप अभी तक यहीं भटक रहे हैं? यहीं पर भटक रहे हैं? हम कुछ समझे नहीं। क्या आप भूल गए? आप और आपके साथी मुझे उस पहाड़ी की विपरीत दिशा में मिले थे। याद आया, आप चंद्रमुखी के राज्य की ओर निकले थे। पहाड़ी की ओर संकेत करना मतलब हम पहाड़ी के इसी छोर पर हैं, उस ओर पहुंचे नहीं। जी हाँ, आप लोग अभी तक इस पहाड़ के चारों ओर ही घूम रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि रूपनगर जाना इतना आसान नहीं है, और ये पूरा पथ भूल भुलैया से भरा है, और आप इसी भूल भुलैया में भटक रहे हैं। और हम समझ रहे थे कि हम रूपनगर में प्रवेश कर चुके हैं। नहीं नहीं, अभी तो रूपनगर की सीमा आरंभ भी नहीं हुई। ये क्या हो रहा है जोरावर? युवती, वहाँ जो सुंदरी युवराज के साथ वार्ता विलीन है, वो कौन है? कहाँ? आप हमारे साथ। वो देखो, वो तो कलावती है। क्या कह रही हो तुम? वो चंद्रमुखी नहीं है? चंद्रमुखी? भला चंद्रमुखी यहाँ क्यों आएगी? वो तो कलावती है। पास में एक छोटा सा गांव है चंदनपुर, वो वहां रहती है। परंतु इसे गीत गाने में बहुत आनंद आता है, इसीलिए सारा दिन जंगल में भटकते हुए गीत गाती रहती है। ये युवती सच कह रही है जोरावर। कलावती हमें जंगलों में गीत गाते हुए मिली थी। यदि वो कलावती है, चंद्रमुखी नहीं, तो हमें युवराज को सतर्क करना होगा, सावधान करना होगा। क्या आप कुछ कह रहे हैं अन्नदाता? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे थे कि अब हम चलते हैं। चारा युवराज, हमने तो आपको उसी दिन अपनी युवरानी मान लिया था जिस दिन हमने आपकी सुंदरता के बारे में सुना था। सच? बिल्कुल सच। हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे राजकुमारी जी। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम आपके इतने समीप खड़े हैं। कहीं हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे? स्वप्न नहीं, सच है युवराज, हम आपके समीप ही तो खड़े हैं। समीप तो हैं, परंतु हम आपके और समीप आना चाहते हैं। और समीप। युवराज, प्यार से नई दुनिया मुझको पुकारे, खिल उठे मेरी आंखों में अब चांद तारे, नैनों के अंबर में सपनों के बाल उठती है, नई सी हलचल चंचल सी, नई सी हलचल मीठी सी, नई सी हलचल। ना ना जनन ना जनन ना जनन ना जनन ना जनन रे र नरीनु बात करनी है।
परंतु हमें कुछ नहीं सुनना। हमने तुम्हें आदेश दिया था कि जब तक हम न बुलाए मत आना, पर तुम अपना मुंह उठाकर चले आए। देखते नहीं हम राजकुमारी से वार्तालाप कर रहे हैं। वो तो दिख रहा है युवराज, किंतु हमें इस समय आपसे अत्यंत आवश्यक वार्ता करनी है। बको, क्या कहना चाहते हो? युवराज, ये राजकुमारी चंद्रमुखी नहीं है। क्या? हाँ। तो फिर कौन है? ये बासी के गांव की साधारण युवती है और इसका नाम है कलावती। क्या तुम कहना चाहते हो कि हम एक साधारण युवती और एक राजकुमारी में अंतर भी नहीं कर पाए? हाँ, अंतर तो कर पाते युवराज, किंतु इस समय आपके नेत्रों पर पर्दा पड़ा है। और तो और युवराज, हम इतनी लंबी यात्रा करने के पश्चात भी वहीं खड़े हैं जहाँ से प्रारंभ किए थे। क्या, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? युवराज, मुझे उस युवती ने बताया। और ये वही युवती है युवराज जो उस रात हमें जंगल में लकड़ियां चुनते हुए मिली थी। युवराज, यदि आपके पास समय की कमी है तो फिर हम चलते हैं। नहीं नहीं, हम आ रहे हैं। हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु एक आप हैं कि अपने इस सेवक के साथ वार्तालाप किए जा रहे हैं। हमारी वार्तालाप तो समाप्त हो चुकी है, परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा नाम कलावती है? निशाचरी। तो इस निशाचरी ने इन मूर्खों को मेरा भेद बता ही दिया। युवराज के प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपने सुना नहीं अन्नदाता क्या पूछ रहे हैं? क्या आपका नाम कलावती है? हाँ, हमारा नाम कलावती है। परंतु आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्या हमारा नाम अच्छा नहीं लगा? नाम तो अच्छा है, परंतु हम तुम्हें राजकुमारी चंद्रमुखी समझ बैठे थे। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम राजकुमारी नहीं, कोई कलावती हो? सरकार, आपने हमारा नाम ही कब पूछा था जो हम बताते? लेकिन हमने तुम्हें कितनी बार राजकुमारी कहकर पुकारा, तुमने हमें टोका क्यों नहीं कि तुम कोई राजकुमारी नहीं, कलावती हो? सरकार, इसमें हमारा क्या दोष? आपने हमें राजकुमारी कहा था, राजकुमारी चंद्रमुखी नहीं। इसीलिए हमने सोचा कि प्रेम से आप हमें राजकुमारी पुकार रहे हैं। ओ युवती, तुमने हमारा बहुत समय नष्ट कर दिया है। यदि हमारे पास और समय होता तो हम तुम्हें अवश्य दंड देते, किंतु हमारे पास और समय नहीं है। चलो जोरावर, चलिए। सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया, और हमारा परिश्रम व्यर्थ करने वाली और कोई नहीं, निशाचरी है। समय आने पर इस निशाचरी से हम बदला जरूर लेंगे। कहाँ है वो युवती? अभी अभी तो यहीं छोड़कर गया था युवराज, लगता है अपने गांव चली गई। और हमारा घोड़ा कहाँ है? घोड़ा भी यहीं था युवराज, तो वो भी लेके चली गई। मूर्खो तुम, एक युवती मिली थी जो हमें रूपनगर का मार्ग बता सकती थी, वो तो गई, साथ में हमारा घोड़ा भी ले गई। तुम हमारे सेनापति कभी नहीं बन सकते। नहीं नहीं युवराज, मैं तो घोड़े के साथ उस युवती को यही छोड़कर गया था, और आपको ये बताने के लिए गया था कि आप जिस युवती से बात कर रहे हो वो चंद्रमुखी नहीं है, वो कलावती है। भूल जाओ ये सब। यदि हम जहां से निकले थे वही भटक रहे हैं,
तो रूपनगर यहाँ से और कितनी दूर है? अब रूपनगर तो बहुत दूर है युवराज, किंतु मुझे पुरानी कहावत सत्य दिखाई पड़ती है। कौन सी कहावत? वही के जो कोई भी रूपनगर में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है वो लौटकर अपने राज्य में वापस नहीं जाता। अब हम भी अपने राज्य वापस नहीं जाएंगे युवराज। कायरों की भांति बात मत करो, यदि वो कहावत सत्य होती तो कोई ना कोई पथिक हमें अवश्य दिखता जो बाहर से आया है, परंतु इस जंगल में हमें ऐसा कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। कैसी बातें करते हैं युवराज, क्या आपको दुर्गेश्वरी की वाणी याद नहीं? कौन सी वाणी? यही कि जो कोई भी रूपनगर में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है उसे राजवीर सिंह और रणबीर सिंह के सैनिक बंदी बना लेते हैं। अब जो कोई भी यहाँ आया होगा वो तो बंदी बना लिया गया होगा, तो फिर हमें कोई मनुष्य कैसे दिखाई पड़ सकता है युवराज? तुम ठीक कह रहे हो सरावर, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदी रूपनगर से भाग निकला हो या फिर उनके सैनिकों की किसी पर दृष्टि न पड़ी हो। यदि ऐसा हुआ होगा युवराज तो हमें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा भाग्य प्रबल रहा तो कोई ना कोई पथिक हमें अवश्य मिलेगा। भानु प्रताप सिंह अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही दम लेगा। चलो। चलिए। नाम सोचा ही ना था, है कि नहीं? आमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, हाँ एक सीपी से खुल गया मोती, मुझको मानी से मिल गए जैसे। पहचाना आपने, ये वही साड़ी है जो आपको बहुत पसंद थी। अपना प्यार करना जानते हैं, मैं चाहते हैं। आप तो समझते हैं कि आप ऑफिस जाते हैं, मैं घर संभालती हूँ, यही प्यार होता है। तुम ऐसा करो, मुझे छोड़ दो। मैं जा रही हूँ। तो जाओ फिर। जाते वक्त उसे रोकना चाहा, कहना चाहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कह लेकिन कह नहीं पाया। जो काम आपने 24 साल में नहीं किया ना, वो अब होगा, जरूर होगा। कहा लो जवानी कि 52 साल का आदमी 18 साल के लौंडे से कम नहीं है। तेरा हुआ मैं जब से। दूर तक सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई दिखाई भी नहीं देता। कैसा जंगल है ये, एक पशु की ध्वनि भी नहीं सुनाई देती। ये क्या? लगता है वहां के महात्मा बैठे हैं जो कदाचित तप कर रहे हैं। ये हम क्या देख रहे हैं? समझ में नहीं आता कि महात्मा जी साधना में लीन है या फिर इस नश्वर शरीर को त्याग बैठे। महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी, लगता है महात्मा जी ने समाधि ले ली है। यदि जीवित होते तो उत्तर देते, और ये तुच्छ जीव जंतु उनके शरीर पर नहीं रेंगते। क्या करें?
संसार हो गया। धन्य युवक, तूने हमारी बरसों की तपस्या भंग कर दी। शीघ्र बता, तूने घोर दुस्साहस क्यों किया? अन्यथा मैं तुझे शाप देकर इसी स्थान पर भस्म कर दूंगा। क्षमा कर दीजिए महात्मा जी, हम भूल कर बैठे, हमसे घोर अपराध हो गया, परंतु इसका हमें कोई आभास नहीं था। हम तो केवल आपके शरीर से रेंगते कीड़ों को हटाने का प्रयत्न कर रहे थे। क्षमा कर दीजिए महात्मा जी। वत्स, क्या तुम इस वन में प्रथम समय आए हो? हाँ महात्मा जी, हम अपने बड़े भाई विजेंद्र सिंह को खोजते खोजते यहां वहां भटकते फिर रहे हैं, परंतु उन्हें खोज नहीं पाए। उन्हीं को खोजते खोजते आपके दर्शन हो गए। बस तुम्हारे भ्राता राजकुमारी चंद्रमुखी से मिलन की आस लिए राज्य से निकले थे, परंतु रूपनगर में प्रवेश करने से पूर्व ही लुप्त हो गए। क्या तुम उन्हीं के लिए पीड़ा झेल रहे हो? हाँ महात्मा जी, बिना बताए आपने हमारे मन की पीड़ा को पढ़ लिया। आप अंतर्यामी हैं, अब यह बताने की कृपा कीजिए कि हमारे भ्राता हैं कहां, किस अवस्था में। उन्हें खोजते खोजते हम थक कर चूर हो चुके हैं। शांत हो जाओ, हम सब बताएंगे, परंतु हमें यह कहते हुए पीड़ा हो रही है कि इस समय तुम्हारे भ्राता राजकुमारी चंद्रमुखी के राज्य के कारागार में बंदी है। बंदी है? और वो भी चंद्रमुखी के राज्य में? यह कैसी परीक्षा है महात्मा जी, जिस राजकुमारी के प्रेम में पड़कर उन्होंने अपना राजपाट तक त्याग दिया, उसी के राज में बंदी है? ये कैसा प्रेम है राजकुमारी चंद्रमुखी का महात्मा जी? इसमें राजकुमारी चंद्रमुखी का कोई दोष नहीं है। तो फिर किसका दोष है महात्मा जी? अगर राजकुमारी चंद्रमुखी दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? दोषी राजकुमारी के महल में बैठने वाले दुष्ट मंत्री और दरबारी हैं, जो राजकुमारी और उसके पिताश्री के शत्रु हैं। ये क्या कह रहे हैं आप महात्मा जी, उन्हीं के मंत्री उनके शत्रु हैं? हाँ वत्स, परंतु वो दुष्ट ये नहीं जानते कि जिसे वो राजकुमारी चंद्रमुखी समझ रहे हैं वो राजकुमारी चंद्रमुखी नहीं अपितु कोई और है। क्या वो चंद्रमुखी नहीं कोई और है? हम समझाते हैं वत्स, सुनो। वर्षों पहले राजा सुरेंद्र सिंह की तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे फूल जैसी कन्या का वरदान दिया, जिसका नाम रखा गया राजकुमारी चंद्रमुखी। राजकुमारी चंद्रमुखी 16 सावन पार कर युवा हुई तो उस पर एक दिन महलों में जानलेवा हमला हुआ। हमले में तो वो बच गई, परंतु उस पर हमला करने वाले कोई और लोग नहीं, वही लोग थे जिन पर महाराजा सुरेंद्र सिंह को पूर्ण विश्वास था। लेकिन महात्मा जी, महाराज सुरेंद्र सिंह के साथ विश्वासघात करने का क्या कारण था? राजकुमारी की सुंदरता। राजकुमारी की सुंदरता? हाँ, उसकी सुंदरता ही उसकी शत्रु बन गई। उसे अपनी रानी बनाने के लिए संसार के सभी राजा महाराजा और युवकों में घोर सी लग गई। महाराज इससे घबरा गए
और राजकुमारी चंद्रमुखी को किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया। अपने महल के सभी मंत्री और दरबारियों को राज्य के पीछे जंगल में जीवित ही धरती में बढ़वा दिया। इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात राजा सुरेंद्र सिंह ने अपने महल में सभी नए सेवक रख लिए जिन्होंने कभी राजकुमारी चंद्रमुखी को नहीं देखा था। इसीलिए आज भी उसे वो राजकुमारी चंद्रमुखी समझ रहे हैं जो इस नाम से महलों में रहती है, परंतु वास्तव में वो महाराजा के एक विश्वास पात्र ठाकुर बलबीर सिंह की पुत्री मेघना है। अब तो तुम ये समझ गए होंगे कि वास्तव में राजकुमारी चंद्रमुखी कोई और है। समझ गया, परंतु ये समझ में नहीं आया कि जिसे महाराज ने बरसों पहले किसी गुप्त स्थान पर भिजवा दिया था वो चंद्रमुखी कहां है? वो रूपनगर में ही है, महल में। एक साधारण कन्या के रूप में वो अपना जीवन हंसते खेलते निडरता के साथ कलावती के नाम से व्यतीत कर रही है। महाराजा सुरेंद्र सिंह के अतिरिक्त ये कोई नहीं जानता कि वास्तव में वही कन्या राजकुमारी चंद्रमुखी है। चंद के चाचा ने चांदी की चम्मच में चटनी। सरकार, ये क्या हो गया आपको? अचानक आप इतने प्रसन्न क्यों हो गए? अरे प्रसन्नता की तो बात है, देखो कलावती आ रही है। अरे सरकार, इसमें प्रसन्नता की क्या बात है? कलावती तो सदैव महल में आती जाती है। अरे ये तो हम भी जानते हैं, परंतु ये तो देखो कि कलावती कितनी सुंदर है। कलावती कितनी भी सुंदर क्यों ना हो सरकार, राजकुमारी चंद्रमुखी से अधिक नहीं हो सकती। हाँ चंगू, राजकुमारी चंद्रमुखी के आगे तो हमारे सरकार भी कुछ नहीं लगते, तो इस कलावती की बिसाती क्या है ना सरकार? मूर्ख, चुप। कलावती की सुंदरता के आगे तो राजकुमारी की सुंदरता कुछ नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कलावती से विवाह करके मैं उसे अपनी महारानी बना लूं। विचार तो अति उत्तम है सरकार, परंतु आप कलावती को रानी बना लेंगे तो फिर राजकुमारी का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो हमारी दूसरी रानी बन जाएगी। क्षमा करें सरकार, आप बोलते बहुत ज्यादा करते हैं कुछ नहीं। जिस भी नई कन्या को देखा बस उसे रानी बनाने का स्वप्न देखने लगते। ठीक है, आज आप अगर इस कलावती से बात भी करके दिखा दे तो हम चंगू मंगू आपको मान जाएंगे। कोई लाभ नहीं मंगू, हमारे सरकार सिर्फ हम दोनों नन्हे मुन्नों से ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ। और किसी कन्या को देखते ही भयभीत हो जाते हैं। हाँ। तो ठीक है, तुम दोनों ने हमें ललकारने का प्रयत्न किया है, तुम दोनों यहीं रुको, हम जाकर कलावती को प्रेम का पहला पाठ पढ़ाकर वापस लौटते हैं। जाओ। धुआं धुआं, तुम जाओ। धुआं धुआं खेलो प्यार का जुआ, धुआं 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 धुआं। अरे धुआं जी आप? हाँ। क्या बात है, आज आप किसी युवराज से कम सुंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सच कलावती, सच? आप असत्य तो नहीं कह रही ना, क्योंकि आज तक किसी कन्या ने भी हमें इतने प्रेम से नहीं सराहा। हाँ। वो हम नहीं जानते, हम केवल इतना जानते हैं कि महल से बाहर निकलते समय आप गले में एक काला धागा बांध लेना। अच्छा, कहीं किसी सुंदर कन्या की नजर न लग जाए। फिर तो समझ लो कि महल में ही नजर लग गई मुझे, बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आई। परंतु महल में आपको किसकी नजर लग गई? कौन है वो भाग्यशाली सुंदरी? यदि आप बुरा ना माने तो उसका नाम बता दूं। बताओ बताओ, हमें क्यों बुरा लगेगा? हमको लगता है हमको स्वयं आप ही की नजर लग गई। क्योंकि सवेरे से महल में किसी कन्या के दर्शन ही नहीं हुए। इतने बड़े हो गए आप, परंतु आज भी बड़े नटखट हैं आप। तो फिर चलें? कहाँ? पर कहाँ चलेंगे कलावती जी? अरे हम आपके साथ चलने की बात नहीं कर रहे थे, हम तो अपने आप से कह रहे थे हमें
राजवीर जी ने बुलाया है ना? अच्छा, आप राजवीर जी के पास जा रही हैं? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आ रही हैं? हम झरने से स्नान करके आ रहे हैं। झरने से स्नान करके आ रही हैं? परंतु झरने का पानी बहुत ठंडा होगा ना? बहुत ठंडा है, उमस से शरीर तप रहा था, झरने के ठंडे पानी से शरीर ठंडा हो गया। क्या आप भी झरने के पानी से नहाना पसंद करते हैं हुजूर? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, पर ठंडे पानी से हमें बड़ा भय लगता है, इसलिए हमारे पिताश्री हमें वर्ष में केवल एक बार स्नान करने की आज्ञा देते हैं। क्या, वर्ष में केवल एक बार? हाँ, किंतु आप हमें साथ ले जाया करेंगी तो पिताश्री की आज्ञा लेकर हम रोज रोज स्नान करने झरने पर आपके साथ आया करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप राजेश सिंह के वहाँ जा रही है ना? जाइए, पर संभलना, वो बहुत निर्दयी मनुष्य है। निर्दयी? हाँ। हम कुछ समझे नहीं हुजूर। वो राजवीर सिंह सुंदर सुंदर कन्याओं के प्राण हर लेता है और दूर जाकर जंगल में फिकवा देता है। क्या? देख रहे हैं डीडी भारती।